और आज प्लान है मेरा नासिक जाने का सुलावाई। बहुत टाइम से मैं राइड नहीं किया अभी तक, राजस्थान के बाद अभी बहुत टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद मैं राइड कर रहा हूँ। सोलो राइडिंग है मेरा, अभी देखते क्योंकि बहुत टाइम से पक गया था तो निकल रहा हूँ अभी। तो फिलहाल तो मैं अभी निकल चुका हूँ, बहुत आगे आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट मैं 8:20 को निकला हूँ घर से और जस्ट हाईवे पहुँचा हूँ। तो मैंने देखो तीन रूट है यहाँ से जाने के लिए सुलावाई। एक आप वज्रेश्वरी से जा सकते हो और वज्रेश्वरी के अंदर से भी एक रूट है, वहाँ से भी जा सकते हो। और थर्ड है विरार से होके मनोर, विजयगढ़, जवार से होके जा सकते हो, जो बेस्ट रूट है। तो मैंने डिसाइड यही किया कि वो रूट से जाना है क्योंकि रोड एक नंबर है वहाँ का। गूगल से चेक किया तो पता चला कि 4 घंटे लगेंगे, मतलब 3 hours 50 minutes, बट ऑब्वियसली उतना तो लगेगा नहीं, 3.5 में कवर हो जाएगा मेरा। तो आप देख सकते हो कि अभी 2 hours 50 minutes है, 122 किलोमीटर पेंडिंग, मतलब 12 बजे पहुँचेंगे हम लोग। थोड़ा सा आगे आगे ध्यान नहीं दिया क्योंकि कैमरा में देख नहीं रहा कंटिन्यूसली। तो अभी थोड़ा टर्न लेते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट कितना बज रहा है भाई, 9:10 हो रहा है। प्लान मेरा यही है कि फिलहाल सोच रहा तुम्बकेश्वर जाओ, तुम्बकेश्वर से फिर मैं नासिक जाऊँ, क्योंकि तुम्बकेश्वर बहुत टाइम से मैं गया नहीं। राइड मेरा ऑलमोस्ट 3rd time कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रोड से मैं बहुत बार दो बार जा चुका हूँ, अब ये 3rd time जा रहा हूँ। तो रास्ता मुझे पूरी तरह से याद है कि स्टार्टिंग में तो ख़राब रास्ता मिलेगा, बट जो हाईवे ये जवाहर का रोड चालू होगा उसमें तो मज़ा आ जाएगा। तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सुबह सिर्फ चाय और दूध पी के निकला हूँ, भूख तो लगा नहीं, पेट अभी भी फुल है। तो देखते हैं, 48 किलोमीटर हो चुका है अभी तक और कुछ 122 किलोमीटर पेंडिंग है, ऐसा मुझे गूगल बता रहा है। बहुत राइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे, सोचा चाय पी ले, बट यहाँ पे दिख तो नहीं रहा कहीं चाय। और ये भी रास्ता है राइट में, एक रास्ता ये वाड़ा होके जाएगा, कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे, और रास्ता भी बहुत ख़राब है। और प्लस पॉइंट आज के दिन ये है कि धूप नहीं निकल रहा है, मतलब क्लाउड की वजह से छाव बहुत मिल रहा है और पसीना भी इतना निकल नहीं रहा है, तो मज़ा आ रहा है। बट रास्ता ख़राब है यार, क्या करें, अभी चलाना पड़ रहा है, बस वेट कर रहा जवाहर रोड का। तो मैं अभी कुछ विजय विक्रमगढ़ के थोड़ा सा पहले हूँ, थोड़ा डाउट था कि टायर पंचर है तो निकल गया टायर पंचर, टायर पंचर भी कर दिया है, क्योंकि राइड करना है यार, राइड में इशू नहीं चाहिए हम लोगों को। तो अभी कुछ 10:07 हो गया जवार के, हम लोग घाट पे चल रहे हैं। और बारिश के टाइम पे जब आया था या 2 या 3 साल पहले, तो क्या क्लाइमेट हुआ था यहाँ पे, मतलब पूरा फॉग क्लाउड सब एक नंबर जगह थे। और अभी तो पेड़ भी सूख गए बारिश के टाइम पे, तो ऑब्वियसली अच्छे वो दिखेंगे गाड़ी। रास्ता बहुत ख़राब मिला यार, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर रास्ता ख़राब मिला, चलाने को बहुत, मतलब ऑलमोस्ट स्पीड स्लो हो गया मेरा, देख लो आप, रास्ता ही मस्त है। तो अभी प्लान तो अभी यही मेरा है कि जवार में सोच रहा हूँ कि देखो जैसे राइड कर रहा है प्लान मेरा चेंज होते जा रहा है, क्योंकि अगर मैं सुलावा डायरेक्ट गया तो 2-3 घंटा, मतलब 2 घंटा भी नहीं बैठूंगा, 1 घंटा बैठूंगा और निकल लूँगा। उससे जब मैंने सोचा जवार में क्या बोलते हैं पैलेस है, पैलेस का नाम मुझे पता नहीं, बट मैं गया है वहाँ पे, नाम याद आ जाएगा तो मैं तुमको वहीं पे बता दूंगा। हो यहाँ पे लोग आम बेच रहे हैं यार, अभी तक मैंने आम खाया नहीं, आम का सीजन चल रहा है। और घाट तो अभी चालू हो गया, स्मूथ रास्ता भी आ गया है, तो मज़ा आएगा राइड करने। तो व्यू भी देख लो यार, मज़ा आता है, बट घाट का असली व्यू तो भाई बारिश के टाइम पे ही है, मतलब दिखता तो कुछ नहीं है फॉग के चक्कर में, बट जो रोड पे फॉग दिखता है वो खतरनाक है। ओह सोच रहा ले लूँ। अभी हम लोग ये जवार में बस स्टॉप के सामने हैं, क्योंकि एक फ्रेंड मिलने वाला था, उससे मिल के निकल लिए, ब्रेकफास्ट पेंडिंग था वो हो चुका है हम लोगों का, कुछ अभी 10:30 बज चुका है। मुझे ये पता नहीं था कि जय विलास पैलेस, जो नाम मुझे अभी पता चला, पीछे रहेगा, ज़्यादा आगे दूर भी नहीं है, तो वो ही कवर करेंगे। अभी इधर से पूरा रास्ता कच्चा मिलने वाला है। हाँ कार भी अलाउड है, बट कहाँ से वो पता नहीं मेरे को। बारिश के टाइम पे आया था मैं यहाँ पे, भाई कैसे बाइक चलाया था मुझे पता है, नज़ारा देखो यार, वो है पैलेस, एक इधर से यही है। बारिश के टाइम पे पूरा लग जाते यार, पब्लिक कोई नहीं है। पहुँच गया, पब्लिक आते हैं यार इधर,
तो अभी कुछ बजट 10:50 और मैं पहुंच चुका है जय विलास पैलेस। तो धूप नहीं है यार, धूप भी मस्त है और आवाज़ आप सुन रहे एकदम साइलेंटली सुनना। तो अभी जस्ट यही प्लान है कि एक बारी में घूमूंगा यहाँ पे, देखने के लिए भी अच्छा एंट्रेंस है यहाँ पे। हम लोग को आई थिंक 30 रुपीज़ में घूमने मिलेगा अंदर, तो थोड़ा एक बाहर देखते फ़ोटो निकालते फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे। तो तब तक एक व्यू देख लो सीने। बैकग्राउंड में मेरे ये पैलेस एंट्रेंस है यहाँ पे और जाने वाले का सोच रहे, बट किसी से पता चला कि कुछ है नहीं, फिर भी एक देख ही लेंगे, आए तो थोड़ा सा देख लेंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो जस्ट अभी हम लोग ने घूम लिया यहाँ पे अंदर, 30 रुपीज़ लिया, वैसे देखने देखो कुछ है नहीं, 2-3 फोटोज़ लिए आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी कुछ 11 बज रहे, निकलना है, त्र्यंबकेश्वर भी जाना है, तो निकलते हैं अभी यार। एक छोटा सा व्यू देख लो, अच्छा ही है। ये रहा मेरा बाइक। तो अभी मैं हूँ बैक साइड पे, जो ये व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा। तो थोड़ा फ़ोटो निकालते हैं और निकलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और एक चीज़ थोड़ा नॉलेज शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट अभी हम लोग ने गाइड से पता किया है कि यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग किए हैं। तो मेरा बैकग्राउंड देखते तो क्या व्यू है यार, मतलब फ़ोटो निकालने मज़ा आएगा। मैं बारिश के टाइम पर ही आया था यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लगा, फ़ोटो भी कड़क आता, पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता, अभी ग्रीन नहीं है बट एनीवेज़ जो ग्रीन दिखता है मज़ा आ जाता है। तो और एक नॉलेज की बात है यहाँ पे, अभी गाइड हम लोग ने, गाइड तो नहीं था, नॉर्मली था, कुछ है नहीं, बस 5 मिनट का काम है यहाँ पे। 2-3 चीज़ें देखने मिलेंगे कि राजा का बेडरूम वगैरह ये सब है, फ़ोटोज़ 2-3 लिए आप देख सकते हो। तो बहुत शूटिंग हुआ है यहाँ पे, बहुत टाइम का नागिन का शूट हुआ है, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर, बहुत सारी मूवीज़ बताया उन्होंने। तो अच्छा जगह, बट संडे आज बट कोई है नहीं, प्रॉब्ली शायद कुछ है नहीं यहाँ पे देखने लायक, है 2-3 पब्लिक है बट बारिश के टाइम पे बहुत पब्लिक बढ़ जाता है। अभी निकलता हूँ यहाँ से, कुछ है नहीं, तो अभी त्र्यंबकेश्वर पहुँचना है, आधे एक घंटे में पहुँचना है कैसे करके, वो कवर करके फिर सीधा पहुँचना है, तो टाइम नहीं है, निकलते हैं, आज पूरा दिन ऐसे निकलना है, लेट्स गो देन। त्र्यंबकेश्वर 48 मिनट्स तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया है, वैसे कुछ है नहीं यहाँ पे ना, बस इतना फेमस है कि शूटिंग बहुत सारा होता है यहाँ पे, ज़्यादा करके हॉरर के लिए फेमस है ये, हॉरर शूटिंग ज़्यादा हुआ है। अगर आपने मराठी मूवी देखा है तो लपाट लेला झपाट लेला जो मूवी है यहीं पे शूट हुआ है, नागिन देख लो, CID देख लो, आहट और ये सब मूवीज़ जो हॉरर मूवी सब यहाँ पे शूट होते हैं। तो बस इसी के लिए देखने आया था, अभी जा ही रहा हूँ, तो छोटा छोटा कवर होके जाता है, पूरा दिन निकालना है, बहुत टाइम और राइड नहीं किया था, तो बस देख रहे हैं। तो अभी निकलते हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो अभी त्र्यंबकेश्वर यहाँ से, मतलब ये पैलेस से 1 आवर 70 मिनट दिख रहा है और 53 किलोमीटर है यहाँ से, तो देखते हैं अभी कवर तो ईजिली हो जाएगा, धूप भी थोड़ा अभी लगने लग गया है। तो 3 किलोमीटर दूर है त्र्यंबकेश्वर और व्यू देखो यार क्या लग रहा है, पहाड़ है, नज़दीक आ गया मैं, यहाँ से राइट टर्न मारना है त्र्यंबकेश्वर के लिए और यहाँ से जाएगा सुलावाई। तो फिलहाल अब मैं ये यहाँ पे घुसूँगा और क्या कोने में, ऑलमोस्ट 12:30 बज गया। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नगरी मध्य आपले भाविकाचा अधिक स्वागत। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं इस अंदर तक ही गया था और मेरे को, क्योंकि वो टाइम पे मेरे दोस्त आगे निकल गए तो मैं पीछे रह गया था, तो वो लोग आई थिंक अंदर जा चुके थे बट मैं नहीं गया था, तो इस बार तो जाके रहूँगा। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है स्टे करने के लिए, बट भीड़ कम दिख रहा है, मतलब पहाड़ के बीचों बीच। मैंने सुना है कि ये 12 लिंग में से एक है, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिस वे, पता मंदिर इकड़े से ना, ओके थैंक यू। तो बाजार भी है यहाँ पे, मतलब बाजार तो रहता ही है, मंदिर कहाँ पे है। तो अभी मुझे पता नहीं कहाँ पे जाना है, तो अभी फाइंड आउट करते हैं कहाँ से मंदिर है, आज तो दर्शन हो ही जाए। तो ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और बहुत टाइम लगेगा, अगर 200 रुपया डोनेशन दिया तो मेरे जल्दी हो जाएगा।
सोमेश्वर मंदिर हो गया अभी हम लोग का। तो दो वे तरीका, एक है 200 रुपया दे के जा सकते हो और एक फ्री जा सकते हो और कुछ नहीं। तो गन्ने का जूस पी के मेरा हो गया, अभी निकलता हूँ। बहुत गर्म हो रहा है, गाड़ी भी गर्म हो गया क्यों। और ये वाला रास्ता है जो फ्री वे है, तो फ्री वे में जा सकते हो बट वहाँ पे बहुत सारे गर्दी है। ठीक है, मैं अभी गाड़ी पे डायरेक्ट बात करता हूँ, मेहनत का काम है। मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गया, अभी 1:14 हो गया, निकलते हैं। शिवाजी महाराज का स्टैचू, मैं ये बात कर रहा था कि गाड़ी पे मेरा हो गया दर्शन अभी, तो आप लोग भी जा सकते हो। 2 घंटा लगता है यहाँ पे, मतलब अगर फ्री में जाना है आप लोगों को तो 2 घंटा लगेगा। रास्ता तो दिखा दिया, आप देख लिया होगा। और एक दूसरा ऑप्शन है कि आप 200 रुपया डोनेशन करके जा सकते हो, जिसमें हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा। मतलब 14 किलोमीटर अभी यहाँ से तपकेश्वर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आधे घंटे में प्रॉब्लम पहुँच जाएंगे। रास्ता अच्छा रहा तो कुछ है नहीं, धूप भी है, दोपहर भी हो चुका है, जल्दी जल्दी पहुँचना है वहाँ पे और जल्दी जल्दी मुझे वहाँ का टूर लेना है और निकलते फिर वहाँ से। तो अभी कुछ 1:43 हो चुका है, दिस इज सुलावाइन। तो अभी पहुँच गए, वो है सुलावाइन यार्ड, फाइनली एंट्री हो गया अपना। वाह, लाजवाब व्यू, लाजवाब। लास्ट टाइम भी इधर ही पार्क किया था मैंने। तो मेरे पीछे सुलावाइन, सो आई एम। तो अभी मैं हूँ सुलावाइन यार्ड में, एंट्री भी हो चुका है। एंट्री फी कुछ 200 पर पर्सन है। क्यों लेते हैं, पहला फ्री था, अभी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत क्राउड होता था, ऐसे टाइम पास के लिए आते थे। तो बट ऐसा नहीं कि एंट्री फी है वो, एक्चुअली का अगर आप एंट्री लेते हो, अंदर कुछ भी शॉप करते हो, कुछ भी लेते हो, तो वो माइनस हो जाता है। तो अच्छा, तो अभी घूमते हैं, देखते हैं। टेस्टिंग एंड टूर प्राइस इज 1 पर्सन इज 400, सो इट इज़ हियर। यहाँ पे 800 है क्योंकि एक और जन यहाँ पे मेरे को कोई कंपनी मिल गया है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, 2 जन का है। पहले 300 हुआ करता था और अभी कुछ 2:14 हो गया मेरा, और 15 मिनट वेट करना है। तो टेस्ट एंड टूर बाकी है, ऐसे भी देख चुका हूँ मैं, फिर भी अभी यहाँ पे आया तो टाइम पास तो करना ही पड़ेगा, तो कुछ 15 मिनट के बाद है। तो अभी 2:30 हो गया, अभी स्टार्ट हो गया, अभी लेट्स गो, जाते हैं देखते हैं, आई थिंक आधे घंटे में हो जाएगा। तो अभी कुछ बजे, ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं और मेरा टूर और टेस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। सोच रहा अभी लंच, भूख लग रहा है, तो भूख पहले कुछ शांत करते हैं भूख को और निकलते हैं। यू कैन सी द, कुछ क्राउड ही नहीं है यार, जो भी था मज़ा आ गया यार। तो अभी कुछ 4 बज के हो चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ अभी कुछ खाने की तलाश में। पहले भूख लगी, उसको भूख मिटाऊँ, थोड़ा बहुत बस जूस वगैरह पिया, कुछ खाया नहीं अभी तक। बस टेस्ट हम लोग ने जो किया था, मतलब वाइन जो टेस्ट मैंने किया था उसमें कुछ एक बिस्किट मिला था और वाइन टेस्ट, वाइन ही पिया अभी तक और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो खाना तो है यार, भूख लगा है। यहाँ पे ग्रेप्स, यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब वैसे लास्ट टाइम भी आया था मैं, अभी भी आया क्योंकि कुछ टाइम स्पेंड करना था, बहुत टाइम से कहीं गया नहीं था मैं, तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक टेस्ट एंड टूर ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो ले सकते हो। तो आपको ग्रेप्स कैसे बनते हैं, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, रेड वाइन, वाइट वाइन,
सब कुछ आप टेस्ट कर सकते हो। अभी कुछ 4:30 बज चुके हैं और मैं नासिक के अंदर ही हूँ। सो तीन रूट है जावार, तो सेम रूट में नहीं ले रहा हूँ, नासिक रूट से जा रहा हूँ, क्योंकि सेम रूट से जाना और रास्ता भी थोड़ा ख़राब थे, कहीं अच्छे कहीं नहीं, रात के समय जाना तो रिस्की है, तो हम जा नहीं रहे वैसे सेम रूट करके। तो नासिक के रूट से मैं जा रहा हूँ, देखते कैसा रूट है। अभी जैसे खाने के लिए रुका हूँ, कौन सा नाना चटांग कौन सा होटल है, आई डोंट नो, मैं नाम नहीं पता है, बट अच्छा होटल है, देखते हैं अभी खाने के। तो अभी मेरा खाना खा के हो चुका है, अब मैं निकलता हूँ सीधा घर के लिए। तो होटल का नाम था होटल नानाचा माड़, जो भी था ठीक ठाक खाना था। सीधा घर के लिए, बैटरी भी कम हो चुका है, पावर बैंक ने भी साथ छोड़ दिया मेरा, अभी सिर्फ एक ही साथ है, मेरा मोबाइल 20% है, बस तुक्का मार के जाना है घर पे। तो ऑलमोस्ट गूगल मैप बता रहे, वाह क्या होटल का व्यू है यार, मतलब एंट्रेंस भारी है। तो ऑलमोस्ट मैं 9 बजे तक पहुँचूंगा ऐसा गूगल बता रहा है, अगर मैं कहीं रुका नहीं तो रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे रेस्ट तो लगी गई, विदाउट रेस्ट मेरे बम की लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, अभी आगे देखते हैं, कुछ मिला तो ठीक है अगर दिखाऊंगा, अदरवाइज डायरेक्ट घर पहुँचते ही फाइनल वीडियो हो जाएगा मेरा। टिल देन